तो द्वितीय प्रति पढ़े उसके वो उसने क्या क्या पढ़े थे हम लोग जायलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे थे ना, और जायलम और फ्लोएम के जो टाइप्स है वो भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वो सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। तो नहीं होगा इसमें, क्या होगा केवल पहली धर्मा होगा, और लास्ट
परत पाई जाती है, शरद ऋतु में कैलोज की परत मोटी हो जाती है और इन संरचनाओं को कैलोज पट्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, इनकी उपस्थिति कैलोज पट्टिकाओं की उपस्थिति चालकी नलिका में संवहन को कम कर देगी। वसंत ऋतु में घुलने के कारण इस परत का घुल जाना है ना, ये परत घुल जाए, कौन सी कैलोज, कैलोज या एसिड, ये परत या एसिड कैलोज के घुलने के कारण वसंत ऋतु में कैलोज के घुलने के कारण चालनी नलिकाएं उन्हें सक्रिय हो और संवहन क्या हो जाएगा अब फ्लोएम है तो किसका संवहन करेगा, जल का तो भोजन का, और पौधों में भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज, लगभग 3000 कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्टार्च, मिल जाएगा। और एक बार सिलिकेट में धातु का क्या किया होगा, है ना, फ्लोएम में जो बह रहा है, देखो जो घटना होता है वो स्टार्च होता है, जो बहने वाली स्थिति है ना, ये कंप्लीट का मतलब है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में ही बहता है, किस फॉर्म में बहता है, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज किसे नहीं बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के लिए है बिना रिएक्शन, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मान लो कोई मीट का पेपर दे के आया और तुमसे पूछ लिया तो इतना तो पता होगा, तो भाई ये सुक्रोज की फॉर्म में रहता है वो, ठीक है। तो आगे तो बसंत ऋतु में क्या हो जाएगा, कैलोज घुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, है ना, कि जो द्वितीय ऊतक है फ्लोएम और जाइलम ऊतक 2 से 10 वर्ष की अवधि तक सक्रिय रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी 50 वर्ष तक, लिख लो इसे, चालनी नलिकाओं की सक्रियता 50 वर्ष तक आंकी गई, मतलब या फिर रिपोर्ट की गई, मतलब जैसे शोध होते रहते हैं ना, कोई पेड़ में मिला ठीक है। तो आगे ये लोग ये 40 रेखाओं के बारे में, अगला क्या देखेंगे हम लोग, 40 रेखाओं में तीसरा नहीं होता है, इसीलिए उसे सहायक कोशिकाएं के लिए जिसकी बात हुआ वो सहायक कोशिकाएं या उसे क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल्स, ये लिख लिया होगा ना,
आगे लिखिए सह पोषी। तो सहकोशिकाओं में क्या क्या होगा? चालकी तत्वों एवं सहकोशिकाओं का संबंध अटूट होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कुछ तो केंद्र है नहीं, चालकी तत्वों में तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी केंद्र का काम कौन करेगा? सहायक कोशिका। तो इसमें लिखिए सहकोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। और चालकलिका एवं सहकोशिका का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करेंगी? मृदुत्व कोशिका, ठीक है। और ये क्या करती है? दो कोशिकाएं का निर्माण करती है ना, यानी कि मृदुत्व लंबवत विभाजक है। Gracias.
आगे क्या आएगा, फ्लोएम रेशी, ये मिटा दो। अब फ्लोएम रेशी किसे कहते हैं, द्रव प्रदूषण, ठीक है, तो आप लिख लीजिए फ्लोएम रेशी। कौन सा फ्लोएम पढ़ रहे हैं, गुप्तकीय द्वितीय फ्लोएम, ठीक है, और इसका पार्ट को कर दो, ठीक है, फ्लोएम रेशे जो होते हैं ये द्रव तक की संरचना से बने, इसलिए ने स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, है ना, बोलते ठीक है। और कैसे होते हैं, वृत्त रूप में होते हैं, लंबी लंबी कोशिका के रूप में पाए जाते हैं भाई, दृढ़ता क्या, तो इसकी पत्तियां जो है वो सॉरी होगी वो कैसी होगी, नीचे पर पाया जाएगा उसके अंदर जिसका लेगा, और इसी से फिर क्या होता है, रस्सी होती है ना पतली वाली रस्सी, क्या बोलते हैं उसको, पतली रस्सी होती है जो सही कहा, क्या बोलते हैं उसको, सूत्री, रस्सी बनाने में उपयोग, ठीक है। ये सब क्रिस्टल के रूप में इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और क्या होगा, द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा पौधे में द्वितीयक जाइलम की तुलना में ज्यादा होगी, और ज्यादातर अक्षीय मृदुकक और रश्मि मृदुकक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम। द्वितीयक फ्लोएम में मृदुतक अक्षीय रश्मि मृदुतक रेडियो इमिशन होते हैं, उसके लिए Yes.
अब इसके बाद ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होगा, फ्लोएम नष्ट भी हो जाता है, प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाता है और प्राथमिक और ज्यादातर पौधों में द्वितीय वृद्धि के समय पर डायरेक्ट में करना फ्लोएम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि आपको ऐसे ही पता होगा, आपने पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन आवश्यक हो रही है, पढ़ा होगा ना, चलिए मैं यानी कि वाष्पोत्सर्जन होने की वजह से पौधे ज्यादा से ज्यादा तरह जबकि उसकी इतनी जरूरत नहीं होती है, वो तो एक प्रेशर बढ़ गया तो थ्योरी चल रही है उसकी, है ना, पानी दे पानी दे दी ना। डीपीडी का फुल फॉर्म में से होता क्या है, डिफ्यूजन पोटेंशियल टेंशन दूसरा लाभ बनता है ना। इसके अलावा उसकी स्थिति क्या है, दे पानी दे एक साथ दूसरे से मांग के कहते हैं, दूसरी बार इसे लेते नहीं उड़ा के लेते हैं ना। तो अब ये पढ़ने के बाद आगे क्या क्या पाठ्य जमीन द्वितीय वृद्धि,
योजना बनती है उसे क्या कहते हैं? परिदर। ठीक है, इसमें अब आप लोग डिजाइन करें।